Hello students and welcome back to the Business Studies class. Today we are going to start our next two topics of our chapter 2, that is formation of a joint stock company and important documents used for joint stock company. ठीक है, in our last class we had already covered the two steps while we were forming joint stock company. And that were, I think first one was promotion and second one was incorporation. Today we will see the third and fourth point in formation of a joint stock company. I had already declared this before in our last class that when we are forming a private company, we want only two steps. We will only perform two steps. First one was promotion and second one was incorporation. But when we are forming a company, a public company, then we need two more steps, and that is capital subscription stage and fourth one is commencement of business. After these steps, your public company will get formed. And then another topic we will discuss today is important document used. These are the documents we will use while we will form a joint stock company. So let us start. First is capital. Now third point is that we will cover today is capital subscription stage. अब capital subscription stage में क्या होता है? ये जो stage होती है हमारी third, ये पूरी related होती है capital से, fund से, finance से. ठीक है, पूरा जो ये stage है हमारी ये money से related है. तो जितना मैं इसके अंदर पढ़ाऊँ, जितना समझाऊँ कि वह उतना ही समझना है. बाकी books में extra दे रखा है जो नहीं है. हमेशा क्या होता है आपके रिफ्रेशर्स में थोड़ा एक्स्ट्रा समझाया जाता है आपको, पर आपकी जो एनसीईआरटी होती है उसके अंदर लिमिटेड होता है. हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, हम पूनम गांधी नहीं फॉलो कर रहे हैं. पूनम गांधी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ रेफरेंस के लिए क्योंकि पूनम गांधी की जो लैंग्वेज है वो ईजी है एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी. सो लेट अस स्टार्ट कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज. अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में पहला जो आता है हमारा सेबी अप्रूवल. सेबी होता क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये एक बोर्ड बनाया गया है, हमारे गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया है जहां पे क्या हुआ है, कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर्स, अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में इश्यू कर रही है. सिक्योरिटीज क्या होते हैं? या तो शेयर्स हो गया, जो मैं आपको बता चुकी हूँ शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स होते हैं हमारे. तो ऐसी सिक्योरिटीज जब हमारी कंपनी बाहर मार्केट में इशू कर रही है तो उस टाइम पे क्या होता है, इन सिक्योरिटीज के लिए हमारी कंपनी पहले सेबी की अप्रूवल लेगी. उसे पहले सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सेबी अप्रूव कर देगा, उसके बाद आप शेयर्स जो है बाहर मार्केट में पब्लिक को इनवाइट करने के लिए वो शेयर्स आप दे सकते हो अगर आपको सेबी की अप्रूवल मिल गई तो. किसके लिए? शेयर्स के. उसके बाद आप प्रोस्पेक्टस. अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये प्रोस्पेक्टस केवल एक डॉक्यूमेंट होता है, इतना समझ लेना. ये एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट यूज फॉर इनवाइटिंग द पब्लिक. ये एक डॉक्यूमेंट होता है, या इसको हम एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, या ये कोई नोटिस भी हो सकता है. नोटिस होता है ना, नोटिस लिखे होते हैं बोर्ड के ऊपर, एक नोटिस लगा दिया. अब उस नोटिस में क्या लिखा होगा? उस नोटिस में ये लिखा होगा, मान लो एक्स वाई जेड कंपनी है, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है. ठीक है, ये कंपनी अपने शेयर्स लेके आ रही है मार्केट में, ये नई कंपनी आई है. तो ये क्या इशू करेगी? ये प्रोस्पेक्टस इशू करेगी. इस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या लिखा हुआ होगा? इस कंपनी का नाम, कितने शेयर्स लेके आ रही है, पब्लिक को इन्वाइट कर रही है, इससे रिलेटेड ये सारी चीजें इस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी हुई होगी. तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, या तो वो एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में होगा या वो नोटिस के फॉर्म में होगा. ठीक है, और ये हम प्रोस्पेक्टस किस लिए कर रहे हैं? प्रोस्पेक्टस हम कर रहे हैं पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि आओ और हमारे शेयर्स परचेज करो. उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स. मैं आपको प्रमोशन के स्टेज में भी बता चुकी हूँ कि अंडरराइटर्स कौन होते हैं. अब यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल के
कर रहे हो उससे रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड आपका बैंक है, आपके जो बैंकर्स हैं वो देखेंगे। ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स वो होते हैं जो आपके शेयर्स हेल्प करते हैं बेचने में, सेल करने में, बेचने में, बेचने में हेल्प करते होते हैं, वो होते हैं ब्रोकर्स बीच। ठीक है, ब्रोकर्स के बाद आता है हमारा अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स में आपको बता चुकी हूँ, जब हमें ये लगता है कि ये शेयर्स कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो हमारे बिक ही नहीं पाएंगे, जो हमारे सेल नहीं हो पाएंगे, तब हम अंडरराइटर्स को अपॉइंट करते हैं। ये अंडरराइटर्स क्या करते हैं? ये अंडरराइटर्स हमारे शेयर्स लेते हैं और उन्हें बेचने में हमारी हेल्प करते हैं, हम सेल करवाते हैं ये अंडरराइटर्स। ठीक है, शेयर्स। उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब ये मिनिमम कहेंगे। तो 1000 का 90% कितना हुआ? 1000 का 90% कितना हुआ? 900। मतलब 900 शेयर्स ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। 900 शेयर्स तो पब्लिक को खरीदने ही पड़ेंगे। अगर 90% शेयर मिनिमम, ये 90% मिनिमम ही सब होते हैं, 90% को बोलते हैं। अगर ये 90% नहीं हुआ तो हमारी जो कंपनी है वो क्या करेगी? ठीक है, कोई आपसे पूछे ना कि चार्टर
एसोसिएशन क्लॉज, ये सारे क्लॉज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले आओ नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या होता है? ये एमओए के अंदर लिखा हुआ होता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज मतलब आप अपनी कंपनी का नाम जब बना रहे हो, कंपनी का नाम फॉर्म तो करोगे ना, जिससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे लोग ये आपकी कंपनी है। तो जब आप नेम क्लॉज लिखोगे, नेम बनाओगे, अपनी कंपनी का नाम रखोगे, तब आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी नाम अगर आप ले रहे हो, कोई भी नाम अगर आप अपनी कंपनी का रख रहे हो, तो वो किसी दूसरी कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। अलग होना चाहिए, ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जो मतलब गलत लगे, या फिर नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब जो
अब हमने ये सारे क्लॉज जो है ये कवर कर लिए। आपको इन क्लॉज में से किसी भी क्लॉज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद क्या होता है, इसमें AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो सारे इसके अंदर लिखे हुए होते हैं। कंपनी कौन सा जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कंप्लीट कर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर सेकंड पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी में भी किसी कोई भी चीज में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।